हाय गाइस, माय नेम इज हिमांशु गुप्ता और आज के इस वीडियो के अंदर हम डे 13 के क्विज को अटेम्प्ट करेंगे और उसके अंदर हम अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्विज को। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट HRM एंड पेपर 1 वीडियोस। और अगर आपको कॉमर्स मैनेजमेंट HR का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है सो आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड क्विजेस को टेलीग्राम पे अटेम्प्ट करना है सो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए हम क्विज को बिगिन करते हैं। सो अर्लियर वीडियोस में हमने आपको बताया था कि ये क्विज कैसे अटेम्प्ट करना है, सो हम डायरेक्टली डे 13 के क्विज पे जाते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट क्विज करेंगे, बिगिन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब देखिए, ओवरहेड क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड कहा जाता है। सो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़े होंगे, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पढ़े होंगे। सो यहाँ पे आपसे ओवरहेड्स के बारे में पूछा गया है और वो भी सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। सो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं, बेसिकली सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स ये होते हैं जो एक फिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी तक फिक्स रहते हैं। दैट इज, जो उनकी जो कॉस्ट होती है वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी तक फिक्स रहती है उनकी कॉस्ट, और उस एक्टिविटी को एक्सीड करने के बाद वहाँ पे जो आपकी कॉस्ट होती है वो वेरी करने लग जाती है। जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में जो बिल आता है उसको आप देख सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करें या ना करें, आपको एक फिक्स अमाउंट पे करना होता है फॉर द कनेक्शन। बट अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट होती है वो पर यूनिट के बेसिस पे वेरी करती है। अगर आप कितने यूनिट तक कंज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपकी कॉस्ट जो है वो वेरी करती है। सो बेसिकली वो एक एग्जाम्पल है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का। सो अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोस्पेक्टिव से बात करें, सो यहाँ पे आपको जो कॉस्ट गिवन है दैट इज मेंटेनेंस कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ एंड एक्सीडेंट कॉस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए, अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें सो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी फिक्स होती है, बट अगर आप उससे ज़्यादा मेंटेनेंस करना चाहते हैं, अगर आपके पास प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, अगर आपकी जो रॉ मटेरियल्स ज़्यादा हैं, सो बेसिकली उसके लिए आपको मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे बढ़ानी पड़ती है। सो यहाँ पे जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट होगा ये बेसिकली आपका सेमी वेरिएबल ओवरहेड के अंदर ही आएगा। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन और हाउस होल्ड दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये सेमी वेरिएबल होती है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक फिक्स अमाउंट पे करना होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ आप उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस। सो हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस वर्कर्स का कराया जाता है। सो आपके जितने वर्कर्स हैं इसके बेसिस पे आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है या आपका जो प्रीमियम है, ऑर्गेनाइजेशन जो प्रीमियम पे कर रहा है वर्कर्स के बिहाफ पे, उनके इंश्योरेंस करा रखा है हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को सर्टेन लॉस को फुलफिल करना होता है, दैट एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट। सो इनको फुलफिल करने के लिए कंपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, सो दैट अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एक्सीडेंट होता है या फिर कोई भी हेल्थ इश्यू होती है वर्कर को, सो उनको वो कंपनसेट कर पाए। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका देखेंगे, अगर ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी तीनों के तीनों जो है आपके सेमी वेरिएबल ओवरहेड के अंदर आएंगे, बिकॉज ये बेसिकली हर एक यूनिट के बेसिस पे वेरी करते हैं। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट इज द टोटल ऑफ। कन्वर्जन कॉस्ट किस किस का टोटल होता है, सो बेसिकली कन्वर्जन कॉस्ट होता क्या है। सो कन्वर्जन कॉस्ट होता है आपका जो रॉ मटेरियल आप परचेस कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करना है आपको फाइनल गुड्स के अंदर। सो आपके पास जो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है दैट इज मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, मटेरियल कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो देखिए यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जो कन्वर्जन कॉस्ट है बेसिकली रॉ मटेरियल को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, फाइनल गुड्स के अंदर। सो रॉ मटेरियल कौन सा है आपका, मटेरियल है। सो मटेरियल को आपको फाइनल गुड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, सो आपकी जो भी कॉस्ट आएगी उसको कन्वर्ट करने के अंदर वो आपका कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर आएगा। सो अगर इसके अंदर आप देखें ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट वेजेस। सो देखिए इसमें देख सकते हैं आप ए बी एंड डी में मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूड किया गया है, बट बेसिकली मटेरियल को ही तो कन्वर्ट करना है। सो मटेरियल को अगर कन्वर्ट करना है तो मटेरियल की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको कन्वर्ट करने में जितना कॉस्ट लग रहा है दैट इज डायरेक्ट वेजेस लग रहे हैं आपके और फैक्ट्री ओवरहेड्स लग रहे हैं, तो इनको इंक्लूड किया जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर, ना कि मटेरियल की कॉस्ट को, बिकॉज मटेरियल को तो परचेस कर लिया गया है अब उसको कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे जब तक कन्वर्ट नहीं किया जाता तब तक वो रॉ मटेरियल ही रहेगा। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं. इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर सेम एज. सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपके क्या होते हैं? सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट की डेफिनेशन देखें, सो यहाँ पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट की डेफिनेशन होती है डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी. सो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ रही है और उससे जो आपकी कॉस्ट में डिफरेंसेस आ रहे हैं, सो इसको बोला जाता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट. मतलब आपने यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया और उससे जो आपकी कॉस्ट के अंदर डिफरेंसेस आए उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोला जाएगा. सो बेसिकली कॉस्ट के अंदर डिफरेंसेस आने से जो कॉस्ट हमारे इनकर होती है उसको डिफरेंशियल कॉस्ट भी बोला जाता है. सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका होता है कि बेसिकली जो आपके प्रीवियस ईयर में जो कॉस्ट लगी थी आप उसी को बेस लेकर अपनी फ्यूचर की कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस. दैट इज आपकी लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है सो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, इन्फ्लेशन रेट क्या है मार्केट के अंदर. सो इन सब के बेसिस को सारे को डिटरमाइन करके जो आपकी कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट. सो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट इसका आंसर नहीं होगा. अगर हम प्राइम कॉस्ट की बात करें, सो आपने कॉस्ट शीट के अंदर देखा होगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होते हैं, सो इसके कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं. सो कुछ आइटम्स आपके प्राइम कॉस्ट के अंदर आते हैं, कुछ आइटम्स आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आते हैं और कुछ आइटम्स आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर आते हैं. सो इनका जो क्राइटेरिया सेट किया गया है, अगर आप उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट कॉस्ट को देखें, सो ये आपके प्राइम कॉस्ट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं. सो ये भी आपका आंसर नहीं होगा बिकॉज इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है कि आपकी टोटल प्रोडक्शन अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसके अंदर जो आपका कॉस्ट डिफरेंसेस आ रहा है वो आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट के अंदर आएगा. सो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं. कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट एंड हेंस इररेलेवेंट फॉर द करंट डिसीजन मेकिंग आर. आपकी जो कॉस्ट है वो पास्ट में इनकर हो चुकी है और वो इररेलेवेंट है फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग के लिए. सो बेसिकली वो आपकी कौन सी कॉस्ट है? सो आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, संक कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट और नन ऑफ द अबव. सो इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताइए. इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम अकाउंटिंग के ही फर्दर क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे थोड़े एडवांस लेवल के. चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पे डायरेक्टली आ जाते हैं हम. Which of the following is both prime cost and conversion cost? So prime cost भी है वो conversion cost भी है. तो इसके अंदर से आपको identify करना है कि कौन सा cost जो है आपका prime cost भी है and conversion cost भी है. So आपके पास जो options हैं that is direct material, direct labor, manufacturing cost and all of the above. सो देखिए इसके लिए हम पहले कॉस्ट शीट को समझते हैं. कॉस्ट शीट समझने से आपको इससे जो अर्लियर वाला जो क्वेश्चन था वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है और कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है. तो चलिए इसके लिए एक बार हम कॉस्ट शीट को देख लेते हैं. सो देखिए कॉस्ट शीट के अंदर आपका आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये तीनों जो आपके आते हैं वो आते हैं प्राइम कॉस्ट के अंदर. और प्राइम कॉस्ट के अंदर भी जो आपका डायरेक्ट लेबर होता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके आते हैं कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर. लेकिन डायरेक्ट मटेरियल जो है इनको कन्वर्ट किया जाना है. सो बेसिकली ये कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर नहीं आता. अगर हम देखें यहाँ पे आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट. सो देखिए प्राइम कॉस्ट के अंदर आपका आ रहा है डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव. सो अगर हम देखें डायरेक्ट मटेरियल आपका प्राइम कॉस्ट के अंदर नहीं आता है, डायरेक्ट लेबर आपका प्राइम कॉस्ट के अंदर है और कन्वर्जन कॉस्ट भी है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर इसको डिस्कस किया. और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप देख सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोला जाता है बिकॉज फैक्ट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसकी. सो इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं. और इसके टोटल को बोलते हैं जो वो होता है आपका वर्क कॉस्ट. आप देख सकते हैं इसको. यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डायरेक्ट लेबर. आज के इस वीडियो के अंदर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक क्वेश्चंस को कवर किया और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग के फर्दर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. आप हमारे साथ बने रहिए. अगर आपको कॉमर्स मैनेजमेंट एंड एचआर का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है वो भी आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप हमारे गिवन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू सो मच.